सो गाइस ये है फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट, बोल सकता हूँ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और इसमें भाई इतना सारा काम हुआ है आज कि आप लोग देख के बोलोगे कि भाई ऐसा काम होना चाहिए, काम हो तो ऐसा वरना फिर ना ही कराओ। तो चलो मैं सबसे पहले आपको इसके फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, जो काम हुआ है ना उसके बारे में ही बताऊंगा, फालतू का टाइम अपन वेस्ट नहीं करने वाले। डेल्टा प्लस वेरिएंट है, पहचान आपने कर ली होगी, ठीक है, यहाँ आप कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ें काम हुआ इसमें बहुत सारा, वन बाई वन सारी चीज़ें आपको गिनवाता हूँ क्या क्या काम हुआ है। पीछे इसमें देख लो वाइपर वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी बैजिंग नहीं आती कि जिससे आप समझ जाओ डेल्टा प्लस वेरिएंट है। और ये जो है ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक वेरिएंट, इसमें काम अच्छा खासा किया है, जैसे कि एम्बियंट लाइटिंग वगैरह है ये सब जो है इसमें किया है, सॉफ्ट टच वगैरह का काम, ठीक है, सीट कवर वगैरह भी जो इसमें किया है, और भी बढ़िया बढ़िया काम है जो कि आप लोगों को करवा लेने चाहिए। यदि भाई आप ले रहे हो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट तो आपको भी ज़रूर करवाने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फ्रंट से ही बस थोड़ा सा काम है वो हो जाता है, उसके बाद में दिखाता हूँ आपको एक एक चीज़ें। उससे पहले एक बार पीछे आता हूँ एंड देन आप देखो इसका प्लेट वगैरह यहाँ पे लगी है, काफ़ी प्यारी लग रही है। उसके बाद ये एम्बियंट लाइट, ये भी भाई ज़बरदस्त लग रही है, प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। पीछे जो है ये आप सीट कवर वगैरह देख लो, कम्फर्टेबल है भाई, ठीक है, गाड़ी तो कम्फर्टेबल है ही, अभी जो सीट कवर लगे ना ये भी अल्ट्रा कम्फर्टेबल है, क्योंकि जो कुशनिंग इसमें की जाती है ना, और नीचे भी जो अच्छे से कुशनिंग की है, तो उससे क्या ना एक अलग ही कम्फर्ट आता है। आप बोलोगे कि भाई इसमें पीछे एसी कहाँ से आ गया, तो भाई ऑटो यूनिक की ना यही खासियत है कि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा काम नहीं मिलता जो यहाँ पे पॉसिबल ना हो। तो यहाँ पे जो है पीछे इन्होंने एसी लगाया पूरा ओरिजिनल, ये नहीं है कि लोकल है, ओरिजिनल है। तो ये देखो अभी अच्छे से आप लोग देखो, पीछे जो है दो ये यूएसबी पोर्ट्स भी आ गए हैं, एक टाइप सी है एक यूएसबी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है लाइक जो टॉप मॉडल में फिटमेंट आती है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसी पूरा काम कर रहा है, इसमें मस्त कूलिंग कर रहा है। मैं एक बार पास लेके जाता हूँ फिर आपको पता चल जाएगा। यदि आपको आवाज़ आई होगी भाई हवा की थोड़ी बहुत, तो आप लोग अंदाजा लगा लेना, बाकी अच्छी खासी कूलिंग कर रहा है। पर ऐसा नहीं है कि इसमें जो अच्छे से हवा ना आ रही हो, प्रॉपर जैसी आती है टॉप मॉडल बिल्कुल वैसी। उसके बाद आगे जो है IRVM आप देख सकते हो, ये भी टॉप मॉडल वाला है, तो ये भी इसके अंदर लग चुका है। सभी की जो प्राइस वगैरह बताऊँगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर सीट कवर वगैरह आपने देख ही लिए, और यहाँ पर लेदर रैप जो है इसके स्टेयरिंग पे हुआ है। उसके बाद ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो यहाँ पे जो है जो कंपनी से आता है ना वो आप लोग देखो क्या कुछ आता है, ठीक है, सीरियो के अंदर है, तो भाई ने सीरियो वगैरह नहीं लगवाया, और लगवाने में नीचे जब ऑलरेडी कंपनी दे रही है तो। बट जो एम्बियंट लाइट है ना भाई ये काफ़ी प्यारी लग रही है इसके अंदर, एंड इसके अंदर जो है ये ओपनर्स वगैरह भी लगे हैं, तो ये सारे जो है काम इसके अंदर हुए हैं। और इसके अंदर जो है गाइस आपको एक और एक बढ़िया सा जो है मैं काम बताता हूँ जो इसके अंदर हुआ है, तो चलो दिखाता हूँ आप। तो ये देखो भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पर LED लाइट लग गई, आगे भी LED लाइट्स लग गई हैं, ठीक है, जो कि आप लोग क्रांची। और सबसे बढ़िया जो चीज़ मैं बोल रहा था वो ये है भाई कि अब जो है ना भाई आपकी घरवाली जो है भाई लड़ाई नहीं करेगी आपसे, क्यों, क्योंकि इसमें लग चुका है भाई टॉप मॉडल वाला अपना ये वैनिटी मिरर जिसमें लाइट वगैरह सब आती है, तो ये नहीं आता भाई इसके इस वेरिएंट में। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कनेक्ट कर दिया, मतलब ओरिजिनल के नाम पे ना भाई सारी चीज़ें हैं ऑटो यूनिक के पास, आप कुछ भी लगवाओ हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, और जेन्युइन काम होता है। सबसे बढ़िया मेरे काम लगा भाई एक तो पीछे AC कनेक्शन, जो कि जल्दी से कोई कर नहीं पाता, बट हो गया भाई यहाँ पे मस्त, और अच्छी खासी हवा आ रही है। बाकी आप आगे देख लो, एम्बियंट लाइट तो मज़ा ही दे देगी आपको नाइट में, और IRVM अपना इलेक्ट्रॉनिक लग गया है जिसमें कि कोई भी चौंधा नहीं मारने वाला पीछे से, तो वो चीज़ है। और इसमें जो है भाई स्टेयरिंग ऑलरेडी अच्छे खासे फीचर्स के साथ आता है, तो क्रूज़ कंट्रोल के लिए अपने को अलग से लगवाने की जरूरत पड़ी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई, बाकी आगे का जो है कम्फर्ट देखेंगे सीट का, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी है। बाहर जो है गाड़ी में कोई काम हुआ तभी है भाई किशन भाई अपने साथ, तो भाई अब बताओ क्या क्या काम हुआ आज। बिल्कुल भैया, आज ये जो है अपना डेल्टा प्लस मॉडल थी, और ये भैया सुबह ही आज मतलब कल रात को 10 बजे के आसपास वे से बात हुआ था। अच्छा, और सुबह भैया ने वीडियो देखी और आप भी आ गए जैसे एकदम से। इसके बाद मैं आपको बताया था आगे की तरफ, वैसे इसमें कुछ भी नहीं लगा है, इसमें आपको ऑलरेडी टॉप मॉडल वाली अभी टेल लाइट आती है, पर मैं साइड से बता देता हूँ आपको, इसमें मिरर ऑटोफुल नहीं आते हैं, चार्जर फुल ओपन लॉक करने वाला वो इसमें लगा है, शायद आपने देखा भी होगा। अच्छा, ये मैंने दिखाया नहीं है इसके अंदर, ये भी मैं बताया था, सिर्फ अल्फा में आता है, बहुत छोटी सी चीज है, प्राइस भी बता रहा हूँ, 1800 रुपए की कॉस्ट आती है, जैसे अल्फा के मिरर आते हैं ना वैसे आपको इसमें। अब ऑटो फोल्डिंग हो गया, ऑटो फोल्ड का पूरा ऑप्शन 1800 रुपए में पूरे भी है। डोर वाइजर अगर आप देखोगे सारे कंपनी के ओरिजिनल है। प्राइस भी बता रहा हूँ भैया, 2190 रुपए MRP है, 40% डिस्काउंट है, 1312 रुपए का। चलो बढ़िया भाई, मस्त डील है, ठीक है भैया। हाँ। इसके बाद अंदर की आई थिंक अभी बाहर कुछ नहीं हुआ ना इसके अलावा, भी इतना कुछ भी अभी नहीं है। और मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ डिस्काउंट का, कि पहले जो हमारा था सिर्फ बलिनो का सामान आ रहा था, अब बलिनो फ्रॉन्क्स दोनों का जब आ रहा है ना, जिमनी का भी आने वाला है, जिमनी भी आ जाएगा, तो एकदम से ना मतलब हम जो ऑर्डर हमने डाला वो बहुत क्वांटिटी में डाला, बिल्कुल उसी हिसाब से सही है। पहले अब तो 40% कुछ दे रहे थे ना कुछ चीजों पे, तो
अच्छा और अपनी गाड़ी जो भैया आप लोगों के सबके बिल्कुल भाई की खुद की गाड़ी आने वाली है कल भैया चलो बहुत बढ़िया भाई। इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, बूट मैट लग गया है, छोटी छोटी चीजें जो है ये भी छोटी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बूट लाइट हो गया, बूट मैट हो गया, सारी चीजें लग गया है। कॉस्टिंग पार्सल ट्रे का अपना ऑप्शन आता है, पार्सल ट्रे है 1680 रुपए एमआरपी है डिस्काउंट, इसमें तो आती है मतलब बेस मॉडल में किसी को लगवानी हो तो बेस मॉडल में लगता है 1160 रुपए का पड़ता है भाई, हमने खुद लगवाई थी बलिनो में पड़ गई 1500-1600 की तो। इसके अंदर है बूट मैट है 2250 रुपए की एमआरपी आती है डिस्काउंट करके 1350 रुपए की, बहुत बढ़िया 2200 रुपए का सामान गया सीधे 1300 रुपए, सही है यार और क्या चाहिए, तो ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो भाई अब की बार से यार, जिस चीज में डिस्काउंट नहीं है मैं सामने से बोल रहा हूं, ये एसेसरी में नहीं आता पार्ट्स में आएगा, तो डिस्काउंट ज्यादा नहीं आता। इसके बाद अंदर ही चलते हैं, अंदर चलते हैं डायरेक्ट, आओ अंदर, तो अंदर देखते भाई जो भी काम हुआ ना अब उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये देखो मतलब आलीशान बना दी भाई अंदर से, तो अंदर की तरफ ना आज गाड़ी में ना बहुत मतलब अल्टीमेट काम अल्टीमेट है भाई। सबसे पहले आप डोर में देखोगे जो एंबिएंट लाइट का पार्ट है ना वो बहुत शानदार लग रहा है, वो शानदार लग रहा है, और इसका रीजन क्या है K3 में जिमर कंपनी की 10 पीस की एंबिएंट लाइट लगी, इसकी वारंटी भी एक साल, ओके इसमें कई ऑप्शन आते हैं पर जिसमें मैक्सिमम में आपको वारंटी नहीं मिलती, पर इसकी एक साल की रिटर्न में भी आपको वारंटी मिली है। प्लस अब एक चीज और देखो भैया, ये चीज ना आपको टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता, टॉप मॉडल में भी ना सिर्फ प्लेन आ जाता है, यहाँ पे आप देखोगे कुशनिंग का जो पार्ट होता है ना प्लस ये पूरा इंटीरियर से मैच करके भी एज इट इज पूरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल भाई यहाँ से अपना मैच कर रहा है पूरा, ये पूरा स्टिचिंग भी एक स्टिचिंग है। हाँ। और किसी पर्सन को अगर अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कराना है ना अपने पास सबसे बड़ी बात है वो भी रेडी है, वो भी चीज करा सकते हैं। ओके सीट कवर की बात करें भैया, सीट कवर प्रीमियम सोफा लेमिनेशन में है जिसमें पता चल रहा है भाई बैठ के ही होता, तीन लेयर की फोम है इसमें और आप इसको जितना भी दबा दोगे ना ये देखो जितना मर्जी दबा दो कि एज इट इज अपनी शेप ले लेगा, और इस सीट कवर की भैया सिर्फ बोल के नहीं रिटर्न में लाइफ टाइम वारंटी है, लाइफ टाइम, और आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरा देख पा रहे हो, एक सिंगल रिंकल नहीं मिलेगा भी। ये सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी इसका पीछे का जो नजारा है वो अपने आप पूरा मैंने दिखा दिया भाई वो भी। इसके बाद एज इट इज आमरेस यहाँ लग गया है, जेन्युइन आमरेस है, कहीं से कोई चेंज पैपर नहीं, आप पूरा देख सकते हो, और उससे बड़ी बात मैंने अभी वॉइस ना जाए इसलिए एसी भी ऑफ कर दिया था, अब आप देखोगे यहाँ से मैं एक बार एसी ऑन करके दिखा देता हूँ भैया, और एसी भी सिर्फ दिखा रहा नहीं आपको, एक बार पीछे एक मिनट के लिए लेके चलता हूँ कैसे ऑन हुआ है, ये देखो भाई पूरी हवा आ रही है पीछे, तो भाई अब देखो जो कमाल का काम हुआ ना वो पीछे हुआ है इसमें, यहाँ पे पहले आप चेक करो टाइप सी और यूएसबी जो टॉप मॉडल में आता है सेम वही सिस्टम लग गया, बिल्कुल भाई। और जो मैं एसी के बारे में बता रहा था एज इट इज ब्लोवर के साथ फर्स्ट टाइम इन इंडिया क्लेम कर सकते हैं भैया, आप देखो या रुक ही नहीं रहा है भाई हाथ में, इतना सिर्फ कैमरे के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये इतना इसका फ्लो है, और मैं सच बता रहा हूँ भैया इसको करने में ना मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिस्क लिया है, आज से पहले भी आप बलिनो में भी तो आया यार कई बार, तो मैं कह रहा हूँ जाना कि आप अगर चैनल पे चेक करोगे ना ऑडिटिंग के तो लगभग बलिनो में अब तक लगभग 250 से ज्यादा बलिनो में एसी, ओ भाई साहब 250 भैया कहाँ है 250 बलिनो है लगभग चैनल पे आपके पे भैया, चैनल पे 180 वीडियो डली हुई बलिनो बलिनो, अच्छा जी एक साल में, अरे वाह, और उसके बाद और चैनल है मिश्रा ब्लॉग के नाम से और चैनल है कृष्ण तिवारी ब्लॉग के नाम से उसके भी डले, तो भाई अब जो भी फ्रॉन्क्स ले रहा है आ जाओ सटासट जल्दी से, एज इट इज भैया मैट भी देखोगे अभी फ्रॉन्क्स आई है, और अपना ये कौन से मैट बोलते हुए अपने लॉन्ग लाइफ मैट बोलते हैं GFX के, ओके स्पेशली फ्रॉन्क्स के, ऐसा नहीं है ब्रिजा ब्लू, आप इसमें फिटिंग देखोगे फिटिंग भाई एक नंबर की, ये देखो कहीं से हल्का सा भी एस टू एस जो बोलते हैं ना वो पूरी फिटिंग है, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया, पीछे की सीट भी है, बीच में जो थोड़ा थाई सपोर्ट होता है वो अप कर दिया जाता है, ये कंपनी से ही आता है, और अगर वो सॉफ्ट है यार कुछ नहीं इसकी भैया, स्पेशली ना भैया ने बोला था कि आप अपनी गाड़ी की चाबी आप लो, आप जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा काम अपने हिसाब से बना अपने हिसाब से, इसी वजह से है कि इतना बढ़िया काम हुआ है। हमारे पास सेम ऐसे सीट कवर रेडी थे, बस एक चीज बता रहा हूँ ये जो ब्लैक वाली पट्टी है ना ये नहीं थी, भैया ने कहा था कि भैया ने को खुद हमने रिकमेंड किया था कि भैया आप ऐसे करोगे ना आपकी कॉम्बिनेशन अच्छा आ जाए ना, क्योंकि आपकी गाड़ी थोड़ी डार्क है, डार्क के साथ जो कॉम्बिनेशन है ना वो ये बैठेगा, बिल्कुल टाइम भी एक्स्ट्रा लगा भैया, मेरे को कुछ प्राइसेस बता दो यार, प्राइसिंग बता देता हूँ, सीट कवर की बता दो, सीट कवर भी अपने पास जो है वो 4000 रुपए से बकेट फिटिंग, जैसे ये सीट कवर है वैसे स्टार्ट हो जाता है, अच्छा जी, पर ये जो सीट कवर पड़ते हैं ये लाइफ टाइम वारंटी वाले 7500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, डिपेंड करता है क्वालिटी के हिसाब से जैसे भी लेता है, बाकी ऐसा नहीं है कि दो ही क्वालिटी है, 4000 का भी है, 5500 का भी है, 6500 का भी है, 7500 का भी है, फिर अगर किसी को और प्रीमियम में चाहिए तो आपका सोफा लेमिनेशन प्रीमियम सोफा लेमिनेशन भी है, डिपेंड करता है जिसको जिस क्वालिटी में चाहिए, और ये जो पन्ने ये किस रेंज में भाई, 12500 रुपए की रेंज, 12500 लाइफ टाइम वारंटी है, इसका लगाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसमें ना एक 19 mm और एक 21 mm दो फोमिंग है, तो इसका जो आप ये जो फील है ना
ये फील आपको मेन ईयर कुछ नहीं है, हर कोई दे भी नहीं पाता भाई ये क्वालिटी जो है, ये किसी भी सीट कोर में नहीं मिल पाता, ये चीज है बिल्कुल। नीचे भी है नेक्सा की, देखोगे वेलकम पेज, ये रही, ये कंपनी से नहीं लगी, अपने पास लगी है। अच्छा जी, 2990 रुपए एमआरपी है, सेम इसमें भी 40% यार कंपनी वाले डिस्काउंट नहीं है, तुम कैसे दे रहे हो भाई? वही चीज है, क्वांटिटी का गेम है, जितना आपकी क्वांटिटी में ऑर्डर लगता है उतना आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। अंदर जान पहचान है भाई की, उतना आपका सेम डिस्काउंट। इसकी कॉस्टिंग बताओ भाई मेरे को, ये जो पूरा सिस्टम अपन ने लगाया ये भी है 3500 रूपए, 3500 का आर्म रेस्ट है कम्प्लीटली, ओके, जो टोटल 6 पार्ट आते हैं वो सारा मिला के सब कुछ मिला के। अभी एसी कनेक्शन कराना है, एसी कनेक्शन कराना है किसी को, उसका 3500 रूपए एक्स्ट्रा लगता है, ओके, क्योंकि इसमें पूरा डैशबोर्ड में जो है ना वो पूरा ब्लोवर डलता है, ओके, और तो नीचे यूएसबी चार्जर वगैरह है, 1800 रूपए का भी, टोटल 8-9 हजार रूपए करीब पड़ जाएगा, 8-9 हजार रूपए का, पर भी कहीं ना कहीं वर्थ है, वर्थ सीट है भाई, पीछे जो बैठेंगे उनके लिए तो वर्थ सीट है, पीछे भी और आगे भी, लॉन्ग ट्रेवल के लिए हमेशा आपको अमरीश काम करता है, सामान रखने से लेके। चलो आगे आ जाओ भाई, अब एक दो चीजें और देखो। तो भाई अभी मेरे को बताओ, ये IRVM भी लगाया अपन ने इसमें? जी भैया, IRVM भी लगाया, और यहाँ पे देख लो लाइट जली हुई है, हाँ ये भैया इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, इसमें जो लगा हुआ था नीचे सामान देना। तो भाई यहाँ पे कुछ चीजें दिखाने वाले भाई आपको, बड़ी कमाल की, सबसे पहले मतलब देखो, ये इतना छोटा सा जो था यहाँ पे लगा हुआ था, इसको रिप्लेस करके पूरा रिप्लेस होता है, बिल्कुल यहाँ पे ये लग गया है। और भैया आप ना जो भी हमारे पास देख रहे हैं अभी, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप ऑटोनिक पे जाके देखो, मैंने 29 मिनट 30 सेकंड की वीडियो बनाई है, आप भी बोलते हो भैया फिल्म बना दी, सच में फिल्म है, मैंने इसकी पूरी वायरिंग उसमें समझाई है, ये देख रहे हो भैया, ये पूरा कपलर है इसका जो कपलर से कनेक्टेड हो रहा है, सिर्फ यही नहीं आप यहाँ पे देखो ये लगा हुआ था भैया, ये लगा हुआ था कुछ ऐसे करके, सिर्फ ये लगा हुआ था, अब आप देखो क्या लगा है, अभी ये देखो भाई टॉप मॉडल वाली, टॉप मॉडल वाला, और वो भी आप यहाँ देखोगे ना, इसके अंदर एक कपलर आता है, इसके अंदर एक कपलर आता है जो कनेक्टेड होता है, अच्छा इसका कपलर, हाँ, इसका कपलर और इसका कपलर, तीनों की पूरी एक सिंगल वायरिंग हार्नेस आती है, वो भी सिर्फ कोई वायर कटिंग नहीं, कोई वायर कटिंग नहीं, वारंटी तो अवॉइड नहीं हो रही ना कहीं पे, नहीं भैया आपके सामने, क्योंकि लोग डरते हैं भाई वो वायर कटिंग ना हो जाए, मेरे हाथ से एज इट इज अभी हट जाएगा, हट जाएगा बिल्कुल, कपलर है यहाँ पे भाई, आप देखोगे बंद हो जाएगा, कपलर है एज इट इज। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं नहीं पहले पहले इसकी प्राइस बताओ भाई, इसकी प्राइस जो है भैया कंपनी की 4200 की, ओके, कंपनी की जेन्युइन, और डिस्काउंट डिस्काउंट भी है, ये है जो एसेसरी में नहीं आता, ये पार्ट्स में आता है, okay. ये जो चीजें पार्ट्स में है तो ये 4800 के आसपास एमआरपी है, डिस्काउंट करके 42, इसमें भी ज्यादा डिस्काउंट नहीं आता, क्योंकि हमारे पास भी मैक्सिमम ये 10-12% के आसपास ही डिस्काउंट आता है। इसके बाद भी सबसे जरूरी चीज है वो आपके हाथ में है, आप चेक कर सकते हो, ये रहा भाई इसका टॉप मॉडल का स्टीयरिंग एज इट इज, यहाँ पे स्टीयरिंग भी चेंज नहीं कराया है, इसका रीजन है कि इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल था पूरा, अपने सीट को इंटीरियर से मैच करके पूरा स्टीयरिंग रैप, बेस मॉडल वालों के लिए बढ़िया है भाई ये चीज, बेस मॉडल वालों के लिए बढ़िया है, इसमें पियानो ब्लैक दे दिया उन्होंने, ये भी भाई काफी जबरदस्त लग रहा है, पियानो ब्लैक दे दिया, और सबसे जरूरी चीज फिर बताया था, इसमें क्रूज कंट्रोल अभी लगा है, मतलब लगा हुआ आता है, तो यहाँ पे ना खाली खाली जो चीज है वो कवर हो जाता है, हाँ, और ये भी अगर किसी को थोड़ा सस्ते में अगर चाहिए तो यहाँ पे एक सिल्वर पार्ट जो आता है पहले से जो बलिनो में लगता है, ओके, वो सेम ही है ना स्टीयरिंग, तो सेम ही है, बस थोड़ा सा भी अलग कर दिया, टेक्सचर के हिसाब से अलग कर दिया, जैसे ये थोड़ा इसमें कलर अलग डाल दिया वैसे ही अलग थोड़ा कर दिया, और एक चीज और दिखाता हूँ भैया, सबसे जरूरी चीज जो है यहाँ पे आप चेक सकते हो, क्या आपको क्या लग रहा है क्या होगा भैया ये? ये भाई मैंने बता दिया वैसे पहले, ये यहाँ पे लगेगा ना ऊपर अपना, यहाँ पे लगेगा, मैं बताया बेस मॉडल वालों के लिए, बेस मॉडल वाला ये लगाते हैं ना भैया, आप बेस मॉडल में जाके देखोगे ना ऐसे ऐसे ये पूरा, ये लाइट नहीं होती यहाँ पे कुछ भी, पूरा भैया लाइट छोड़िए गत्ता होता है पूरा, पूरा हिलता है ऐसे हिलता है, और मेरे को लगभग 100 से ज्यादा कॉल आई है इसके लिए भैया, अच्छा पर ये बलिनो में हमने बहुत कम लगाया है, पर अब इस बात की पक्की है कि अपना फ्रॉन्क्स में हर गाड़ी में लगा के देंगे, हर गाड़ी में अपना, इसके साथ ये लग जाता है कुछ इस तरीके से, फिटिंग आती है पूरा खुलता है, इसके लिए थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है पर प्रॉपर फिटिंग आती है, सबसे बड़ी बात होती है अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो ना तो ये चीज क्या, अगर ये रूफ लाइट लगाओ लगाओ ये चीज कभी भी आपकी हिलेगी नहीं, तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट होता है। और भी ये जो मैंने वायरिंग बताई है, कोई पर्सन अगर अपना जो सिस्टम ओरिजिनल सिस्टम का कैमरा माइक चालू कराना चाहता है टॉप मॉडल जैसा, वो भी भैया यहाँ पे करा सकते हैं, रिवर्स कैमरा वगैरह, रिवर्स कैमरा भी है, इसमें भी ऑलरेडी लगा है, इसमें भी नहीं आता कैमरा, मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं यहाँ पे लगाया है ना आप लोगों ने, हाँ जी इसमें भी लगाया है, यहाँ पे आप देखोगे, मैं चाबी एक बार ऑन कर देता हूँ, आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा, तो ये देखो भाई क्वालिटी ऊपर फेंक रही है डायरेक्ट, क्योंकि वो बूट ओपन है इसका, बूट ओपन है, ये है क्वालिटी, इसके अंदर भी है HD कैमरे का ऑप्शन नहीं आता क्योंकि कंपनी फिटेड सिस्टम है भैया, जैसे बैक करेंगे ना वैसे इसका मूविंग का पूरा जो गाइडलाइन है वो पूरा इसमें आएगा। कॉस्टिंग क्या है इसकी कैमरे की भाई? कैमरा भी है वैसे स्टार्ट तो 650-600 रुपए से हो जाता है, पर ये जो कैमरा लगा ये मूविंग प्लस नाइट विजन है, इसे देखो कैसे इट इज नाइट, और ये और बताओ जो 1200 ये जो अपना स्टीयरिंग है ये कितने में लगा दोगे? ये स्टीयरिंग जो भैया ये स्टीयरिंग अभी वैसे MRP नहीं आई है, ये स्टीयरिंग कहीं गुड़गांव के आसपास जो इसका वेयर हाउस है वहाँ से एक पीस मंगाया हुआ है, किसी भाई को अगर इसकी कॉस्टिंग चाहिए तो एस्टीमेट बता दो,
एस्टिमेट भी है लगभग लगभग जो है एमआरपी जो है 72 या 75 के आसपास या लगभग 5000 रुपए के आसपास होगी जो हमने क्योंकि अभी एक ही मंगाया तो इसका पार्ट नंबर भी नहीं निकल गया ना इसकी एमआरपी मतलब एग्जैक्ट प्राइस नहीं आई बट आइडिया दे दिया भाई ने 5000 के आसपास। मिरर भी आपको मैं बता दूं मिरर भी आपका सिंपली लग जाएंगे 10800 रुपए में दोनों मिरर टॉप मॉडल वाले। अभी आप जब बेस मॉडल लेंगे तो ये जो मिरर है ना ये नॉर्मली काम नहीं करेंगे पर जो टॉप मॉडल वाले मिरर वो अलग ही है उसमें आपका पूरा पैनो ब्लैक आता है इंडिकेटर आता है वो सारी चीज आएगा। उसमें एम्बिएंट लाइट का कितना खर्चा आया भाई? एम्बिएंट लाइट भी है ये 10 पीस वाली है और 10 पीस वाली की वजह से K3 है ये जो एम्बिएंट लाइट है ये 7500 कॉस्ट में जाती है इससे ऊपर भी आती है और 8500 और नीचे भी आती है। हाँ भैया इसकी लेबर इंक्लूड है पर कुछ चीज होती है जैसे मिरर लगाने की उन चीजों की लेबर जो होती है वो अलग होती है कुछ चीजों की होती है जैसे इसकी वायरिंग वगैरह हो गई इसकी वायरिंग है क्योंकि ये करने के लिए ना हमारे पास आपने देखा होगा एक भैया वो अलग से आते हैं मिरर वगैरह लगाने के लिए जिस वजह से क्या कोई वायरिंग में कभी इश्यू नहीं आता। अब इसके लिए ना कस्टमर भी कभी भी देने से कतराता नहीं है क्योंकि क्या रीजन है कि कभी भी ना वायरिंग में कोई इश्यू नहीं आता ये बेस्ट पार्ट होता है यहाँ पे। तो भाई सारा काम अपन ने दिखा दिया ठीक है मतलब टोटल एस्टिमेट बता दो इसमें कितना खर्चा आ गया होगा अपना ये सब दिखा दिया भाई मस्त अपना हाँ, इसकी कॉस्टिंग बताना सिंगल पार्ट की जो है अभी है वो 1850 रुपए ओके इस तरफ अच्छा एक तरफ का ही है वो लग जाता है भैया बाकी भैया को चाहिए 3500 का हो जाएगा फिर दोनों तरफ 3500 का होगा। इसमें जो पूरी गाड़ी में कॉस्ट आई है वो मैं नहीं बताऊंगा भैया क्योंकि जिसकी ये गाड़ी है जो प्राउड ओनर है उन्हीं से मैं पूछवाऊंगा कोशिश एक मिनट लगेगा उनसे भी जानते हैं कि कैसा उनको काम लगा ठीक है। प्लस आप देखोगे एक चीज और दिखाता हूँ लास्ट जो रह गया था सीट कवर में देखो पीछे की तरफ ना ये जो चीजें है ना देखो ये एक ना लटक जाता है कई बार सामान रखने के बाद यहाँ से ना फटने लग जाता है बॉटल होल्डर तो ये छोटी छोटी चीजें है ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से काफी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और अपना भाई भी यहाँ पे अनुज भाई वजह से ये सब कुछ है क्योंकि उनको ना ऑलरेडी काफी सालों का अनुभव एक्सपीरियंस कह सकते हैं जो है ओनर से सुनते हैं कैसा रहा। यहाँ पे भाई अपने साथ है ओनर और इनसे मैं पहले भी आपको मिला चुका हूँ ठीक है। तो भाई अब आप बताओ किशन भाई जी भैया सबसे पहले मैं भैया से जान लूं कॉस्टिंग बताओ मेरे को कितने को पड़ी है सारा कॉस्टिंग बताइए भैया कितनी टोटल कॉस्ट है ये जो मेरा सारा काम जो भी भैया ने आपको वीडियो में दिखाया ये अभी मेरा टोटल हिसाब होगा तो ऑलमोस्ट 62-65,000 के बीच मेरा टोटल बिलिंग है। तो भाई टॉप मॉडल बनवा दिया भाई ने उससे भी कुछ ऊपर ही एक चीज छूट गया था मैं बता देता हूं ये ने ट्रैकर भी लगवाया है जिसकी कॉस्टिंग इसमें अभी इंक्लूड है 7200 तीन साल वारंटी इंक्लूड होती है 7200 में और वो आपका मतलब एक ब्रांडेड कंपनी है उसका आपको मिला कॉस्टिंग इंक्लूड जीपीएस ट्रैकर ना और उसमें सिम वगैरह लाइक आप लोग डाल के दे रहे हो या फिर अलग से डालनी पड़ेगी एक साल का रिचार्ज होगा ना इसके अंदर तीन साल चले गए तीन साल का रिचार्ज उसके बाद 150 ओ भाई साहब वो इसका रिचार्ज बिल्कुल उसकी कॉस्टिंग भी इसमें इंक्लूड है भैया। भैया से एक लास्ट चीज और पूछूंगा आपको कैसी लगी भैया स्पेशली मेरे पास आई 20 थी बढ़िया काम करके दिया है फर्स्ट टाइम ये फ्रॉन्क्स में इतना कुछ काम कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था लेकिन जब भैया ने काम स्टार्ट करा और करते चले गए तो बिल्कुल ऐसे परफेक्शन के साथ करा है जैसे ये मतलब मारुति की फैक्ट्री में यही काम फर्स्ट टाइम भी भाई इतनी अच्छी फिनिशिंग दी है मतलब हर काम में ऐसा नहीं हाँ बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ बिल्कुल जो भी काम करके दिया भैया ने बहुत बढ़िया करके और टाइम कितना लग गया होगा भाई? भैया मैं 4:30 बजे यहाँ पहुँचा था 5 बजे मेरी कार में काम स्टार्ट हो गया था और अभी 12:30 बज रहे रात के तो अब बस 6-7 घंटे लग गए हैं तो भाई वो लगेगा मेन काम तो अपना एसी एसी वाला भी तो था और भैया बहुत डर रहे थे कि भैया बोले थे अब मेरा दिल सुन जब एसी ऑन हो गया और एसी सुनूंगे ना स्पेशली भैया बहुत खुश हुए इनको आसपास वीडियो दिखा देते भाई इनको बलिनो की एक तो मैं टेंशन फ्री हो गया कि बस अब तो सीट कवर का काम है और थोड़ा बहुत काम है वो तो होता रहेगा और रातों रात सीट कवर भी बनवा दिए कस्टम डिजाइन भाई ने बनवाया हाथ किया 3-4 घंटे का टाइम लगा और कस्टमाइज सीट कवर मेरे बन गए। स्पेशली बता दूं आप एसी का तो बात कर रहे हैं पर एसी बलिनो में जो ये लगता है वो नहीं है ये भैया उसका अलग है इसका अलग है दोनों का अलग आता है दोनों का अलग ही होगा ना यार क्योंकि इसका डैशबोर्ड भी अलग है उसका भी डैशबोर्ड अलग है बिल्कुल और इसी वजह से भी डर रहे थे कि उसमें तो हो जाता है देखी हुई वीडियो इसमें पता नहीं होगा यहाँ गाड़ी नहीं आई भाई शोरूम में पार्ट ले सारे एक बार में हो जाएगा तो ये रहे भाई सारे पार्ट अपने इसके अंदर पार्ट पूरा भरा हुआ है ओके ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा देखने वाले बंदे बिल्कुल भाई ये सारे पार्ट भरे हुए ये देखो पूरा मारुति जेन्युइन भाई फैक्ट्री खोल रखी इन्होंने पूरी फैक्ट्री खोल रखी है यहाँ पे पूरा पार्ट भरा हुआ है लगभग लगभग ये गाड़ी 10 लाख रुपए की है ना 8-10 लाख रुपए का सामान एक बार में आया है बिल्कुल भाई और सिर्फ फ्रॉम्स की मैं बात कर
तो चलो भाई बहुत बढ़िया काम हुआ आज, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो भाई किसी को भी काम कराना हो, ऑटो यूनिक आओ करोल बाग, लोकेशन मैं नीचे दे रहा हूँ भैया का नंबर स्क्रीन पे, आप लोग कॉन्टेक्ट करो और जो भी भाई आपके डाउट्स हो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चले यार मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।